राष्ट्र संत बेहर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रातः काल हम शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के भगवान जी के अभिषेक के लिए आते हैं। इस बीच अगर हम किसी अशुद्ध वस्त्र से छिल जाते हैं तो उसका क्या दोष लगता है? एवं कुछ लोग जल को अपने ऊपर छींट के अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, ये किस हद तक सही है? मास्टर लक्की जैन, जिस बच्चे ने ये जिज्ञासा रखी है कि अभिषेक करने के लिए हम शुद्ध धोती दुपट्टा पहन कर के आते हैं और यदि कोई सिविल ड्रेस में जो है रा और उन्होंने हमें छू लिया है या हमसे छुड़ गए हैं तो लोग किसी के बताने पर हम थोड़ा सा जल लेकर के और अपने ऊपर छींटे मार लेते हैं और फिर अभिषेक कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है, सही है या गलत है? तो अपन ये देखें, भगवान का अभिषेक करने के लिए जो हमने शुद्ध वस्त्र पहने हैं वो किसी के छिल जाने पर हमको वस्त्र ही बदलना चाहिए और वस्त्र बदल करके फिर से हमें अभिषेक करना चाहिए। यदि हम छींटे मारते हैं तो छींटे मारने का विधान किसी जगह भी पढ़ने को नहीं मिला, न देखने को मिला है ना कि छींटे मार करके हम कोई काम कर लें। हम जितना विशुद्धि, जितनी शुद्धि ध्यान रखेंगे, शरीर की शुद्धि भी, मन की शुद्धि भी, कपड़ों की शुद्धि भी, सभी प्रकार की शुद्धियों के साथ यदि हम विधान आदि अभिषेक आदि करते हैं तो हमें पूरा पूरा फल मिलता है। और यदि हम छींटे मीटे मार के अभिषेक कर लेते हैं तो मायाचारी का दोष लगता है और मायाचारी करने से त्रयंज गति का बंध होता है। अब आप एजुलाइक क्या चाहते हैं है ना, निर्णय कर लें और देख लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसलिए अभिषेक करो तो अच्छे से कर लो भैया, नहा धोगे कर लो, शुद्धि में कर लो, जैसे हम पूरे पूरे नंबर प्राप्त कर सकें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नवोश तुम्हारा जी,
सिका जी से मिट्टी को कलश लिया महाराज जी अपन को कहाँ अलग होते गए कहाँ सब है। कुमारी श्रीमती, कुमारी श्रेया जैन औरंगाबाद से, उनके प्रश्न को पूछा है शीला रानी जैन भोपाल ने। और प्रश्न ये है कि आजकल अपन देखेंगे तीर्थों की रज का बड़ा चलन चल रहा है। लोग कहते हैं ये गिरनार जी की मिट्टी है, ये शिखर जी की मिट्टी है, ये कुंडलपुर की मिट्टी है, और ये पुराने क्षेत्र की मिट्टी है। और लोग उसे क्या करते हैं, आस्था है तो वो ला करके, कभी कभी शिखर जी में विधान हुआ, शिखर जी में पंचगणक हुआ, और वहाँ पर कलश रखे गए, तो वहाँ का कलश ला करके अपन रखते हैं मघर में, तो कहाँ रखना चाहिए और क्या उसका फल है। तो अपन देखेंगे मिट्टी का कलश मांगलिक माना गया है। मिट्टी के कलश में पूजा सामग्री रखना, मिट्टी के कलश में हवन करना, मिट्टी के घड़े में जो घड़ा है उसका पानी पीना, ये सब शुभ माने गए, शुभ है ना। तो इसीलिए अपन देखेंगे तो जितने भी हिंदुओं के जो बड़े बड़े विधान होते हैं उनमें मिट्टी के घड़े ही या मिट्टी के कलश ही घट यात्रा में निकाले जाते हैं, है ना। और वहाँ पर उन मिट्टी के कलश का प्रभाव ही है कि वो मांगलिक माना जाता है, और मांगलिक होने से हमारे घर में शुभ कार्य होते हैं। तो अपन ये देखें कि वहाँ की, और रही बात मिट्टी वहाँ की रज की बात, तो रज है वो क्षेत्र की रज है, वो हमारे मन को खुश कर रही है कि शिखर जी की मिट्टी है, गिरनार जी की मिट्टी है, है ना, हस्तनापुर की मिट्टी है। मिट्टी तो मिट्टी है ना, क्योंकि अपन की ये अंदर से खुशी मिलती है कि हमने वहाँ की मिट्टी डाल दी। बाकी तो ये है कि मिट्टी कहीं की भी हो, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन की खुशी, जो मन की मिट्टी है, वो यदि हमारी डल गई तो सारे घर में खुशियाँ छा जाती हैं। कई घर ऐसे भी देखे गए, सब क्षेत्रों की मिट्टी डाली गई पर घर में कसाय ज़्यादा है, घर में झगड़े ज़्यादा हैं, घर में क्लेश ज़्यादा है। तो मिट्टी क्या करेगी, क्योंकि माथा तो हमारा है, मन तो हमारा है, तो मन हमारा खुश होना चाहिए तो सारी जगह की मिट्टियाँ अच्छा काम करेगी। तो ध्यान रखें, और उस कलश को हम अपने ईशान कोण में, घर के उत्तर और पूरब के बीच में उस कलश को हम रख सकते हैं ना, जिससे कि वह पावन और पुनीत असर हमको दे सके। और ध्यान रखें, देखते रहें, आखिर रह सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जैसे महाराज जी हमारा नियम है जाप का, कि जैसे मान लीजिए 5 जाप या 10 जाप का नियम है, और हमें मालूम है हमें 4 दिन को कहीं बाहर जाना है, तो क्या वो जाप हम पहले से कर सकते हैं क्या? कई बार बाद में करना पड़ती है, तो क्या हम उनको पहले कर सकते हैं क्या? नमोस्तु महाराज। श्रीमती मंजुला जैन भोपाल से, उनकी जिज्ञासा है कि हमारी रोज़ का 5 माला फेरने का नियम है, और हमें मालूम है कि हमें 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो 15 माला हम आज ही फेर लें, जिससे हमें कल ना फेरना पड़े, परसों ना फेरना पड़े, है ना, जब आप फेर नहीं सकते हैं। तो अपन देखें, जैसे हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो 3 दिन का खाना हम एक साथ नहीं खा सकते। कि अपन बाहर जा रहे हैं तो 3 दिन हम खाना भी खा लो आज घर में ही, है ना। तो जैसे हम 3-4 दिन का खाना एक साथ नहीं खा सकते, वैसे ही हम जाप का नियम जो है, या कोई भी नियम है, उसे हम एक साथ नहीं कर सकते। जाप एक ऐसा है कि अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो अपने घर की, या ट्रेन में जा रहे हो, या प्लेन में जा रहे हो, तो माला तो आप चलते फिरते वहाँ भी फेर सकते हो, है ना, वहीं बैठे रहो, बातचीत करते रहो, फेरते रहो, बातचीत करते रहो, फेरते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। है ना, कई लोग ये कहते हैं ट्रेन में इसलिए नहीं फेरते हैं कि ट्रेन में सब जात के लोग रहते हैं, किसी शुद्धि अशुद्धि है, तो अपन को इतना ध्यान नहीं लगाना है, है ना। अपन तो क्या करें, जो मंत्र है, बीजा अक्षर है, उसे जब हम उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो उससे हमारा मन पवित्र होता है ना। द्रव क्षेत्र काल भाव
वहाँ की भी शुद्धि हो जाती है मंत्रों से। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम तो चाहे ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, जब अपन वहाँ पे खा लेते हैं तो जब खाने में दोष लगता क्या? जब अपन खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, अब शिखर जी की यात्रा जब लंबा सफ़र है तो अपन टिफिन लगा के भोजन भी खा लेते हैं वहीं बैठ के, जब अपन भोजन कर सकते हैं तो जाप करने में क्या दिक्कत है? तो हमें जाप को भी, हमें जाप भी करते रहना चाहिए, है ना, जिससे कि हमें इकट्ठा बोझ ना पड़े और कि पाँच दिन हमारा नियम भी ना टूटे और हमारी जाप भी होती रहे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो हमें कलश मिलते हैं उसमें जो चावल रहते हैं उसको अपन घर में रख सकते हैं या उसमें दोष लगता है क्या? नहीं। श्रीमती अनीता जैन भोपाल से उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, कई बार विधान होते हैं मंदिरों में, होते ही रहते हैं और हम लोग बैठते हैं तो वहाँ के कलश मिलते हैं, कभी घट यात्रा का, कभी मारने का, तो उनमें चावल भी होते हैं। अब हम लोगों को उन चावल का क्या करना चाहिए? तो अपन ये देखेंगे कि कई बार घट यात्रा में जो कलश मिलते हैं, हर घट यात्रा में कलश मिलेंगे और उसमें नारियल भी होगा, तो हमको वो नारियल उसी दिन अला घर में फड़वा करके और अपने गरी खाओ, खीर बनाओ, खाओ, खिलाओ, खिलखिलाओ, है ना। जो कलश होते हैं जिनमें सामग्री होती है, चावल आदि होते हैं, हल्दी होती है, सुपारी होती हैं, है ना, तो उन कलशों को कहा जाता है कि कलश का असर लगभग लगभग, है ना, 8-10 महीने का होता है। और उन 8-10 महीने के बाद यदि हम जब उस कलश में देखेंगे तो हो सकता है कि जीव पड़ने की आशंका होती है, है ना। तो इसलिए हमें समय से ही 4-6 महीने बाद उन कलशों की सामग्री को बाहर निकाल करके देख लेना चाहिए। यदि उसमें कीड़े मीड़े पड़ गए हों तो उसको उनके कीड़े की जगह व्यवस्था कर दो कि छाया में निकाल दो, खुला छोड़ दो कि वो निकल जाएं जीव, है ना। और उन चावलों को अपन मालिक को मंदिर में दे दो या कहीं दे दो, ना दान कर दो, है ना। और या फिर आप दो या दो, एक दो महीने में यदि खोल लेते हैं तो चावल को खा सकते हैं, है ना, आप यूज कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी घर में बच्चा पैदा होने पर 10 दिन का सूतक लगता है, ऐसा क्यों महाराज जी? मास्टर कार्तिक जैन और उसकी जिज्ञासा है कि किसी के घर में जब कोई डिलीवरी होती है तो 10 दिन का शोर कहो, सूतक कहो, क्यों लग जाता है? तो अपन देखेंगे कि, और 10 दिन का ही क्यों लगता है, ज़्यादा दिन क्यों लगता है, तो अपन देखेंगे सूतक का मतलब होता है कि आज आपको खुशी बहुत है और धार्मिक क्रियाओं को करने में ज़्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए, क्यों? ज़्यादा खुशी होने पर हमसे असाधना होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब यदि खुशी है बच्चा पैदा होने की, किसी का बेटा पैदा हुआ, और मान लो सूतक नहीं रखते, अब वो मंदिर में आया है तो खुशी खुशी में उससे गलती हो सकती है। अब भगवान उठाए मान लो और ध्यान ना दे पाए, पहुँच रहा था और वो बच्चे का ख्याल भी आ गया बीच में, तो वो मूर्ति छूट सकती है, हाथ से गिर सकती है, है ना। तो ये असाधना हो सकती है और ये इसका असर जो होता है, खुशी का हो या गम का हो, कोई दुख है तो उसका असर 13 दिन रहता है दिमाग पर, और खुशी होती है तो 10 दिन रहती है। तो इसलिए अपन देखेंगे सूत्र रखा गया कि 10 दिन आपको कोई भी धार्मिक क्रियाएं नहीं करना है, ना आहार देना है। आहार के टाइम में भी आप इतने खुश हो कि आपके हाथ से कोई सामान गिर सकता है, सरक सकता है, है ना, और इसलिए खुशी में भी गलती हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा दुख में भी गलतियाँ हो सकती हैं और ज़्यादा खुशी में भी गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए सूतक पातक की व्यवस्था रखी गई। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हमने मूर्ति विराजमान करवाई मंदिर में, अब 2-3 साल बाद धर्म का प्रभाव जिससे घर में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कम हो रहा है, कोई मंदिर आने को नहीं देख रहा है, कोई अभिषेक नहीं कर रहा है, तो ये सब बात सही है या गलत है, किस हद तक सही है ये आप बताइए। श्रीमती सारिका जैन भोपाल से उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, ऐसा सुनने में आता है कि किसी ने मंदिर बनवाया, किसी ने मूर्ति स्थापित करवाई,
तो उनके घरों में दो तीन पीढ़ी के बाद धर्म का प्रभाव कम हो जाता है या उस उनके घर के जो लोग हैं धर्म से दूर हो जाते हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो अपन ये देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीव आते हैं वो अलग अलग गतियों से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, और जो भी जीव जहाँ से आता है वो अपने खुद के पाप कर्म और पुण्य कर्म लेके आता है। तो अपन ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मंदिर बनवा दिया है या किसी ने मूर्ति स्थापित करवा दी है तो उस घर में कोई परेशानी ही ना आती हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा तो कहीं कहा भी नहीं गया है ना कि देखो भैया जिस घर में पंचकल्याण करवाए हों, है ना, कोई पात्र बने हों, मूर्ति स्थापित करवाई हों, तो जो रोग शोक आदि व्याधि हैं ये तो किसी घर में भी आ सकती हैं, है ना, क्योंकि इनका उस पंचकल्याण से क्या संबंध, है ना, मूर्ति से क्या संबंध। मूर्ति रखी है वो अपनी अलग चीज़ है, कोई विधान आदान करवाया वो अलग चीज़ है, पंचना करवाया वो अलग चीज़ है, वो इन्ने करवाया है, है ना। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं, इन पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया। पता यह बात ये देखी गई, वो तो किसी को भी देख लो, मुरारजी जो अपने लाल बहादुर शास्त्री थे वो प्रधानमंत्री थे देश के, अब उनका घर जाके देखो, उनके बच्चे को देखो, बिल्कुल बेचारे रोड पे ही हैं, तो अब क्या करें। तो दादाजी का जो पुण्य था वो उनका था, है ना, बच्चे उनका पुण्य अलग है, ना ये। तो इसलिए अपन देखें एक ही घर में पार्श्वनाथ भगवान जी और कमठ एक घर में थे, एक धर्म का ह्रास कर रहा था और एक विकास कर रहा था, उनका कर्म का उदय था, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम कोई धर्म की क्रिया करवा दें तो उससे हमारी पूरी पीढ़ियाँ, है ना, कर्म ही नहीं करेंगी या वो दुखी नहीं होंगी या उनको बुखार नहीं आएगा या वो जीवन जिएंगे कि मरेंगे नहीं, है ना। सारी क्रियाएँ होती हैं, उसमें धर्म का कोई दोष नहीं है। जिसने धर्म किया है, जिसने दान किया है, ये उसको पुण्य मिलता है। बाकी लोग अपना अपना पाप, अपना अपना पाप है, अपना अपना पुण्य है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल।